उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों के नियमित करने, आउट सोर्सिंग बंद करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने हैं सहित अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में वादा निभाओ रैली की। लखनऊ से हमारे संवाददाता आदिर सखील की रिपोर्ट। जैसा कि आपने अभी कहा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही आगे चल रहे हैं, इस आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस समय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इन्होंने हमारे इस मांग का समर्थन किया है। और इस मांग के संबंध में उन्होंने वर्ष 2013 में एक पत्र प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा था, और उसमें उन्होंने हमारे इस मांग का पूर्ण समर्थन किया था। तो हम समझते हैं कि अब आज उनको सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है, हमारी ये मांग निश्चित पूरी होगी। इसके अलावा जो संविदा और आउटसोर्सिंग जिस प्रकार से कर्मचारियों को रखा गया है, व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को राष्ट्र कर्मचारी महासंघ स्पष्ट रूप से मानता है कि ये बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है। इसको तत्काल समाप्त करके नियमित पदों पर नियमित नियुक्तियां की जानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने एक बार रखा है, राज्य कर्मचारी महासंघ की पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई है। जितने भी कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और कार्यालयों की दशा बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि डाक लगाने से लगा करके कार्यालय संबंधी चतुर्थ श्रेणी का जितने भी काम है वो डर पड़े, जिससे जनहित से लेकर के कार्यालय प्रभावित हो। पूर्व के जो कर्मचारी डेली वेजेस और वर्क चार्ज के नियमित किए गए हैं, उन कर्मचारियों की पुरानी सेवा जोड़ी नहीं गई है। इसके वजह से जितने भी लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको एक रुपए का भी लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में आदेश दिया है और आज ही हाई कोर्ट के भी एक आदेश का हवाला देकर के समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि उनकी पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए उनको पेंशन लाभ और सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाए। इसी प्रकार से हमारे जो केंद्र की समानता की बात है, हमें केंद्र के समान वेतन मान तो दिया गया, लेकिन भत्तों की समानता अभी तक नहीं दी है, जिससे कि हर कर्मचारी को हजारों रुपए का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। हमने ये भी मांग किया है कि जो सातवें वेतन आयोग ने एक संस्तुति दिया है उसमें ये दिया है कि पहले शासन स्तर पर जो कि नियमावली बनाई जाती थी वहाँ पर कार्य ज्यादा था, इसलिए शासन स्तर के जो कर्मचारी थे, सचिवालय स्तर के जो कर्मचारी थे, उनका वेतन मान ज्यादा रखा गया है। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर अब ब्लॉक और तहसील लेवल के कर्मचारियों पर ज्यादा कार्य का बोझ है, इसलिए उनका वेतन मान अब अच्छा होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सचिवालय से लेकर ब्लॉक तक के एक समान वेतन होना चाहिए, इसकी मांग हमने किया है। हम सातवें वेतन आयोग की संस्कृतियों को लागू करने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। आज हमने प्रदेश के कोने कोने से कर्मचारियों प्रतिनिधियों को बुलाया, हमने अपनी बात रखी, अपने मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया और वो संभवतः मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच भी जाएगा। लेकिन हम एक जन जागरण अभियान भी इसके साथ चला रहे हैं। हम 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक ब्लॉक से लेकर मुख्यालय स्तर तक कर्मचारी को बताएंगे, हर एक कर्मचारियों को बताएंगे कि ये वादा निभाओ का वास्तविक अर्थ क्या है और वादा निभाओ रैली हमने आखिर क्यों की। एक एक कर्मचारी तक लेके जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जब ये बात कर्मचारियों तक जाएगी तो निश्चित रूप से हमें अपनी मांगों पर सफलता प्राप्त होगी।